हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और देखिए यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे चैप्टर क्वेश्चन 11 से 20 तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिख रखा है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो 4 2 8 8 और 5 कितना होता है 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 13/4। माइनस का साइन है, माइनस का साइन। और 6 4 24, 24 और 7 कितना होता है 31, तो 31/6 लिखेंगे। प्लस का साइन लगाएं, 3 3 9 और वो कितना हो जाएगा 10 10/3। नीचे अपॉन में आएंगे, यहाँ पे देखिए इससे इसको डिवाइड करना है। ठीक है ना, डिवाइड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 0.087 और यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। कितना लिखा है 37 17 0.09, तो 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 9 4 36। ठीक, 11 आ जाएगा, 9 1 9 और 2 7, 9 3 27, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे एक डिजिट और यहाँ पे एक डिजिट, तो ये इधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0. ठीक है 413, तो प्लस 0.413। ठीक है, ठीक चलिए। अच्छा देखिए इसमें अगर पॉइंट्स आप हटा के भी करना चाहते हैं इसको, तो इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है 1 पॉइंट की जगह 1 1 2 3 4, तो नीचे भी 1 2 3 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए ये एक जीरो इस पॉइंट को हटा देगा, तो ठीक है ना, एक जीरो हटा देगा, तो यहाँ पे 3 0 तभी बचेंगे, तो ये यही जो आंसर आएगा 1 2 3, इसके बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम 4 6 3 का कितना होगा 12 12 लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए 4 3 12, तो 13 3 से कितना होता है 39, 6 2 12, तो 31 2 से कितना होता है 62, और प्लस 3 4 12, तो 10 4 40। ठीक, अब यहाँ पे कितना आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आएगा 0.5 500 आएगा, तो 0.5 ही लिखेंगे। ठीक है चलिए, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए ये दोनों नंबर प्लस में है, तो 39 और 40 आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 79। ठीक है, 79 में से हम 62 माइनस करेंगे, तो 79 में से 62 माइनस करेंगे तो आएगा 17, कितना आएगा 17/12। और देखिए 0.5 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 17/12 इंटू 2/1, इस तरीके से उल्टा 2 6 12, तो कितना हो जाएगा 17/6, तो 17/6 को क्या लिख सकते हैं 2 5/6, 6 2 12 12 और 5 17, तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक चलिए, अब इसको मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन डैश इफ डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय न्यूमरेटर के परसेंट। देखिए अगर किसी नंबर मान लीजिए 5 है, 5 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, फिर 5 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, या फिर 5 को मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, देखिए डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा और न्यूमरेटर सेम रहेगा, तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको मिटा लेता हूँ 13। अब देखिए 0.2 0.2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.4, क्या आएगा 0.04, फिर प्लस 0.01 अपॉन क्या लिखेंगे, 0.01 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.01 प्लस 0.02। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आएगा 0.05, और यहाँ पे कितना आएगा इन दोनों को ऐड करने पे 0.03। तो देखिए सेम, इधर से भी 2 डिजिट, इधर से भी 2 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे तो पॉइंट हट जाएगा, तो सीधे सीधे क्या बचेगा 5/3। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5/3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 क्या है, देखिए 14 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, लिखा है 40257 को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, 213 से, तो आंसर कितना आता है 189। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम 40.259 को इससे डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा, तो देखिए 40.257 को अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, किससे डिवाइड करते हैं, 0.0189 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर कितना आएगा, तो देखिए अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख दूँ और इस चीज़ को यहाँ पे लिख दूँ तब भी आंसर यही आएगा, यानी कि 40257/189 को अगर यहाँ लिखते हैं तब भी आंसर कितना आएगा 213। ठीक, अब यहाँ पे ये देख लीजिए, अगर मान लीजिए पॉइंट्स को मैं ना देखूं, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट है और यहाँ पे 3 पॉइंट है। ठीक, तो अगर मैं पॉइंट हटाना भी चाहता हूँ तो देखिए कैसे हटेगा, 1 और 1 2 3 4 डिजिट है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी
10,000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 40257 और एक जीरो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन ही पॉइंट पे था और ये चार जीरो है, तो एक जीरो यहाँ पे आके लग जाएगा और ये कितना बनेगा, 189। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, जब यहाँ पे इतना सॉल्व किया तो कितना था, 213, तो 213 आएगा और ये जो जीरो लगा है ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2130। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है और इसमें बस देखना है आपको। देखिए अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखिए सभी नंबर इसमें सेम लिखे हुए हैं, ठीक है, बस पॉइंट्स अलग अलग लिख रखे हैं। ठीक है, तो अब आप किस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे टोटल पॉइंट गिनिए, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने 9 पॉइंट के बाद यहाँ पे आंसर लगेगा। आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना वरना मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा नॉट इक्वल, यानी कौन सा इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे, जहाँ पे 9 नहीं होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ भी 9 आ रहा है, 9 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। और यहाँ पे 1 2 3 4 5, इधर गिनेंगे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि यहाँ भी 9 आ रहा है, 9 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 9 लगेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है, तो यही इसका आंसर नहीं होगा, यानी कि ये आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि 8 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो ये आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, आंसर डिफरेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन आर इंक्रीज बाय द सेम क्वांटिटी देन द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज। तो अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम क्वांटिटी में इंक्रीज करते हैं तो आंसर क्या होगा। ठीक है ना, तो ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल, यानी कि जो आंसर होगा वो आपका ग्रेटर आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है, तो आंसर जो होगा वो ग्रेटर होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल समझा देते हो। देखिए जैसे 2/5 हमने लिखा, तो 2/5 कितना आता है, ठीक, 0.4। अगर मैं इसके न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दूं और इसके डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दूं, ठीक है, क्योंकि यह इस क्वेश्चन में बोला था कि दोनों को बढ़ाते हैं सेम प्रोपोर्शन में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8, तो 5/8 कितना आएगा, तो 5/8 आएगा 0.625। ठीक, तो देखिए ये 0.4 था, ये 0.6 था, तो क्वेश्चन क्या है, ओरिजिनल वैल्यू ये थी, तो ओरिजिनल वैल्यू से वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, क्या हो रही है, इंक्रीज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे, 2 1 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा, 3/2। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ क्या लिखा है, 2 1 2 में से 1 जाएगा, तो कितना आएगा, 1/2। यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4/7 और यहाँ देखिए क्या लिखा है, 2/5 लिख लेंगे, प्लस 3/10 लिख लेंगे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए, अब देखिए इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, 3 1 3 और 2 1 2, तो 3 1 3 और 2 1 2 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, 3 2 6। ठीक, अब नीचे आएंगे तो 3 1 3 3 2 3 1 3 और 3 2 2 1 2, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 2 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो लिखेंगे 3/2, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 3 डिवाइड बाई यहाँ पे लिखा 4/7 लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम 10 होगा, 5 और 10 का, तो 2 ऊपर है, 5 2 10, तो 2 2 कितना होगा, 4, 10 1 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू, अब देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा, 5, और 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 1 5, 5 2 10, ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, 2 1, देखिए 5 2 10 हो गया ना, अरे यार 5 2 10, ठीक, 2 1 2, 2 2 4, अब देखिए ऊपर बच क्या रहा है, अब कुछ बच भी नहीं रहा है, 3 डिवाइड बाई यहाँ पे बच रहा है 2/7 इंटू, और 4 3 क्या होता है, 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ रहा है, 3/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 देखिए क्या कह रहा है,
18 में एबीसी का हमें पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, मतलब यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल एबीसी में हमको कौन कौन सी साइड चाहिए, एबीसी, तो ए बी कितना है 4 2/3 प्लस 2 3/5 और प्लस ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे 4 और 2 है, ये बाहर है, तो इन दोनों को आप ऐसे लिख दीजिए 6 4 2 6, अब बच क्या रहा है 2/3 3/5 और 3/4। ठीक है, अब 3 4 5 का जो एलसीएम होगा वो होगा भैया 60। ठीक है ना, अगर तीन नंबर लगातार आ जाए तो आप उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, उसका एलसीएम आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 है ही, तो 3 20 जा कितना होता 40, तो 20 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 प्लस, और ये 12 5 60 होता है, तो 15 4 4 है कि 5 है यहाँ पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 12 60, तो 12 3 कितना हो जाएगा 36 और 15 4 60, तो 15 3 45। अब इनको ऐड कर लेंगे 6 प्लस, और इनको ऐड करेंगे तो आएगा 121/60। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई 360 में 121 ऐड करेंगे तो आएगा 481/60। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 81/60। ठीक है ना, 8 6 48 48 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 481/60। तो यहाँ पे आंसर देखिए या तो ए होगा या तो सी होगा। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, अब आंसर कितना है 81/60, किसका, ट्रायंगल का, तो यहाँ पे लिखते हैं 81/60 सेंटीमीटर, ये इसका पेरीमीटर हो गया। अब ये ट्रायंगल का लेंगे, इतना लेना है हमें। ठीक है, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2l + b, तो 2 लिखेंगे, l कितना, देखिए l ये लंबी वाली 2 3/5 और ये कितना है ब्रेथ इसकी 5/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/2। ठीक है, अब यहाँ पर 2 × 5 × 10 और 3 कितना हो जाएगा 13/5 प्लस 5/2, 5 और 2 का एलसीएम होता है 10, तो यहाँ पर 10 लिख लीजिए, और 5 × 2 = 10, तो 13 × 2 = 26 प्लस 2 × 5 = 10, तो 5 × 5 = 25। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 2 से कट जाएगा 2 × 1 = 2 2 × 5 = 10, और 26 और 25 को ऐड करेंगे दोस्तों, तो ये कितना आएगा आपका 51/5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 1/5, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने पढ़ लिया, 19 और 20 पढ़ते हैं। 19 देखिए क्या है, ए फार्मर हैज़ 192 एनिमल्स, आउट ऑफ 7/16 आर कैटल। तो देखिए कैटल कितने हैं, पहले तो ये जान लीजिए, कैटल आप निकाल लीजिए 122 हैं, तो 1/16। ठीक है, तो 16 से इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है, तो 2 से कट कर लें, 2 8 = 16 और 2 9 = 18, 2 6 = 12 और 8 से काटेंगे 12 8 = 96। ठीक है, तो कितना आ गया कैटल, ये 7 है ना, 7 12 7 = कितना होता है 84। तो 84 क्या है, कैटल है। अब क्वेश्चन क्या करा है, कैटल के जो 2/3 है, कैटल का 2/3 आपका डेरी काउ है, तो डेरी काउ आपको निकालना है, तो लिखेंगे डेरी काउ क्या है, कैटल का 2/3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3। ठीक, तो 3 से कट करेंगे, 3 2 = 6 होगा भाई, ज़्यादा हो गया, 3 2 = 6 और यहाँ पे 24 3 8 = 24, 28 × 2 कितना हो जाएगा 56। तो 56 क्या है आपके, काउज हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्वाति इन 3 1/1 आवर, सी ट्रेवल 13 इन ईच आवर। तो देखिए एक आवर में ये कितना ट्रेवल कर रही हैं, 13.27 किलोमीटर। ठीक है, तो 3 1/2 आवर में कितना करेंगी, ठीक है, तो 3 2 3 2 = 6 और 1 कितना हो जाएगा 7/2 आवर्स इक्वल टू 13.27। तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे 13.27 में, किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 7/2 की, तो देखिए 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, तो 7 7 = 49 का 9 4 कैरी, 7 2 = 14 14 और 4 कितना होता है 18 18 का 8 1 कैरी, 7 3 = 21 21 में 1 ऐड करोगे तो आएगा 22 फिर 2 कैरी, और 7 7 और 2 9 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, 2 डिजिट का पॉइंट लगा देंगे और डिवाइड बाई क्या लिख देंगे 2। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे
टू से दोस्तों, तो ये आएगा 46.445 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए 9 4 ऐसे होगा ना, देखिए 2 से इसको कट करेंगे तो 2 4 8, तो 4 वाला देखिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन है सी, तो यही सही हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो दोस्त यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।